Hindi siya may gagawin. इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आप सभी को अवगत कराना चाहूँ कि आज का ये जैसा कि कार्यक्रम नीम वृक्षारोपण कार्यक्रम सहकारी उर्वरक संस्था जो कि इसको के द्वारा पूरे अखिल भारतीय स्तर पर चलाया जाए। नहीं नहीं अभी पहले खून ना चारों तरफ से खून के उसको अच्छे से पका करके तब पानी पानी भैया हम बैठे बैठे हुए सभी बुजुर्ग साथी और बच्चों पहले काफी लंबा चौड़ा कार्यक्रम करने का सोचा था कि जो उन्होंने कार्यक्रम को कंट्रोल किया और हमने अलग अलग विभागों के अलग अलग सेक्शन से समाज के अलग अलग क्षेत्रों से थोड़े थोड़े लोगों को बुलाया क्योंकि पेड़ मंगाए जा चुके थे और अगर उनको हम ऐसा ही छोड़ देते तो वो नुकसान हो जाता। हमें ये वृक्षारोपण की जरूरत क्यों पड़ी क्यों महसूस हुई? पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में निरंतर भूजल जो जमीन के नीचे जो पानी है उसका स्तर नीचे चल रहा है, उसमें निरंतर कमी आ रही है। साल दर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। ये सारी चीजें समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, भूमि के लिए किसी भी प्रकार से ठीक नहीं कही जा सकती और इन सब के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है पिछले वर्षों में हमारे क्षेत्र में पिछले दशकों में सैकड़ों की संख्या में वृक्ष काटे गए। विकास वृक्षों का पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, हम उसको भी नहीं रोक सकते। देखिए वृक्षों को काटा गया उस हिसाब से पेड़ लगाए नहीं गए।
मिश्रण का संदेश देना चाहूंगा, पेड़ कोई राजनीति नहीं देखते, कोई राजनीतिक दल नहीं देखते, जाति पात नहीं देखते, कोई धर्म नहीं देखते। ये कार्यक्रम भी किसी व्यक्ति विशेष, राजनीति या किसी संगठन का नहीं है, ये समाज का कार्यक्रम है, हम सब आपका कार्यक्रम है। मेरा केवल आप सबसे जो यहाँ उपस्थित हैं उन सभी से निवेदन है, अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण को एक आंदोलन बनाएं, अपने क्षेत्र के लिए हर व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि सीमा पर जाके लड़ाई ही लड़नी हो, यहाँ रहकर भी राजभक्ति कर सकते हैं, यहाँ रहकर भी देशभक्ति कर सकते हैं। ये भूमि हमारी माता है, हम यहाँ पर अपना पुरुषार्थ दिखाएं। जो हमसे बन पड़े मैनेजर साहब ने कहा कि 5 पेड़ लगाएं, मैं ये कहना चाहता हूं कि पेड़ लगाएं, जितने लगा सके उतने लगाएं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जो वृक्ष हमने लगाए वो पनपे, बढ़े, सक्षम हो, तभी हमारे इस आंदोलन का, इस कार्यक्रम का, इस संदेश का महत्व होगा। अदरवाइज इतनी पूरी मेहनत सब मिट्टी में मिल जाएगी अगर जो पेड़ हम इस साल लगाएंगे तो अगले वर्ष तक समाप्त हो जाए। मैं अपनी बात, समय की कमी है, अंत में आपसे मेरा यही निवेदन है, अभी इफ्को के द्वारा यहाँ पर 10,000 नीम के पेड़ों की व्यवस्था की गई है, इसके अलावा लाहौर की शासकीय नर्सरी में लगभग 50,000 के करीब पौधे और उपलब्ध है। हम ये चाहते हैं क्षेत्र में आसपास जहां पर भी आप उनकी सुरक्षा कर सके और जितने पेड़ लगा सके लगाए, वृक्षारोपण को आंदोलन बनाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।